कैंसर रोग के लक्षण व बचाव के विषय पर एक कार्यशाला व जन जागरूकता अभियान का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन गोरखपुर के मेस सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर ममून खां, डॉक्टर वी के चतुर्वेदी, डॉक्टर बी के सिंह द्वारा पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को कैंसर की बीमारी संबंधित सभी लक्षण एवं बचाव की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी लाइन दिनेश कुमार सिंह एवं रमेश सिंह व सुभाष सहित प्रभारी अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया, और अगर ऐसा कुछ लगेगा कि उस मरीज का यहाँ इलाज नहीं है, ये सारी कैंसर से संबंधित जानकारी है और आप बताइए। के अंदर कॉपी करके हजम हो गए तो जहाँ से निकलेगी वो सारी जगह की बीमारियाँ उस जगह पे कैंसर हो सकता है, जैसे पेशाब की थैली का कैंसर या आमाशय का कैंसर, भोजन की नली का कैंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहें। सुपारी और तंबाकू चूने के साथ या बिना चूने के मिला के खाने से मुँह की सर्विकस फाइब्रोसिस हो जाती है, तो लोगों का मुँह खुलना बंद हो जाता है। तो पर उनका मुँह जब खोलने के लिए बोलेंगे तो इतना सा खुलता है, और धीरे धीरे अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो फिर खाना खाने वाले लाइक नहीं रहता है, सिर्फ खाना पी सकते हैं, स्ट्रॉ डालो और पियो, क्योंकि चबा नहीं सकते, मुंह के अंदर खाना नहीं जाएगा। तो तंबाकू बहुत ख़राब चीज़ है, चाहे वो धूम्रपान के रूप में हो, चाहे वो तब चबा के खाने वाली चूर्ण, ये दोहरा गुटखा कैदी क्या, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बचिए। दूसरा, पान के जितने भी मसाले हों, नाम नहीं ले रहा हूँ, पर पान के जितने भी मसाले हों, चाहे ऊँची पसंद वाले हों चाहे नीची पसंद वाले हों, इन सब में भी जो केमिकल्स मिले रहते हैं, करीब 40,000 तरह के केमिकल हैं जो उसमें डाले जाते हैं, जो पाए गए हैं, उनमें से कई बहुत खतरनाक हैं, उनके कारण कैंसर भी होता है और जो सर्विकल फाइब्रोसिस होती है वो भी होती है। जो इस देश में आगे चल के लॉ एंड ऑर्डर को तो समझाएंगे समझाएंगे सुलझाएंगे ही, पर आपके पास एक दूसरा दायित्व है अपनी फैमिली को चलाने का, और इस समय वो दायित्व आगे चल के एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि उसका मतलब है कि आपको तो कुछ उनको तो स्वस्थ रहना ही है और परिवार को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। आज हम यहाँ पे ना पुलिस वाले हैं ना डॉक्टर है, यहाँ पे अपन एक इंसान टू इंसान की तरह बात करें। क्या कभी हमारे को इस देश में ये बताया गया कि अपने शरीर को समझना है? क्या कभी हमारे को इस देश में हम होड़ में हम भाग रहे, क्या कभी हमने सोचा कि हमारे को छींकते कैसे, सिंपल सी बात, छींकते कैसे, कैसे छींकते हैं ना, और भी कहते हैं हेलो, तो अपन संस्कृति से कितनी दूर चले गए, क्योंकि अपनी संस्कृति में तो हाथ मिलाना नहीं था, अपनी संस्कृति में हाथ जोड़ना था, नमस्कार करना था, क्यों, ताकि हाथ मिलाने से जो इन्फेक्शन जाए वो दूसरों तक नहीं जा पाए। तो हम एक तो संस्कृति से आगे निकल गए, इसको भूल गए, और हमने विदेशी चीजों को अपना लिया। सो कहने का मतलब ये है कि हम एक मिक्स ब्रीड की तरह है। तो आप में से महिलाएं बैठी हुई है, मैं आपसे पूछता हूँ, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12, और पुरुषों में कितना होना चाहिए, 13। तो कितनी महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12 है, कितनी महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12 है, आप देश का भविष्य है, आप समझो आप देश का भविष्य है, आप लोगों को देश चलाना है, मतलब सबका हीमोग्लोबिन 10 है ना, 12 नहीं है तो देश कैसे चलेगा, कभी सोचा? और जब आप चिड़चिड़ापन रखेंगी तो आप कैसे सर्व कर पाओगी? तो मैं बताता हूँ, मेरे को खूब डांट पड़ती थी एक साल पहले तक, मैं परफेक्ट हो गया, मैं घर समय पे पहुंचने लगा, मिठाई लेके जाने लगा, फिर भी डांट पड़ती थी। तो एक साल बाद जब खूब डांट खा ली, फिर भी नहीं था, मेरी वाइफ का हीमोग्लोबिन कम था, आप समझे, क्योंकि रोज शाम को चिड़चिड़ापन होना, रोज थक जाना, ये किसका लक्षण है, हीमोग्लोबिन लो का लक्षण है। तो कभी आपने सोचा कि अगर 55 साल से मैं ऊपर हूं और मेरा हीमोग्लोबिन बार बार लो होता जा रहा है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। सिंपल लो हीमोग्लोबिन
मेरी हाथों का कैंसर का कारण हो सकता है, कभी सोचा? द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर इज नॉट टू बी बोर्न। कैंसर ना होने का एक ही तरीका कि हम जन्म नहीं लेते, जन्म तो ले लिया, बट कैंसर से हम जीत सकते हैं ये सोचना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब 2019 में हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास व्हाट्सएप है, पर हमारी मानसिकता आज भी कैंसर की लेके 1990 के दशक में, जिसमें लगता है कि कैंसर लाइलाज है, कैंसर की कीमोथेरेपी से मेरे बाल मिल जाएंगे, मैं और बीमार हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ग्लैमर कहा गया था बॉलीवुड में। तो आप राजेश खन्ना की पिक्चर देखो, लिंपो सारकोमा ऑफ इंटेस्टाइन, तो उसमें तो एंड अंत क्या था। तो हमारा आज भी प्रेरणा स्रोत जो है वो बॉलीवुड है, जहां पे दिखाया जाता है कैंसर खराब है, कैंसर से सबसे बढ़ जाते हैं। पर मैं आज आपके समझ खड़े होकर बोलता हूं कि कैंसर से 90% लोग जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान और रोज की नौकरी के इतने प्रेशर है, वो कोई भी हो, वो आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, मैं अपना क्या हेल्थ चेकअप हर साल करवाता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं डॉक्टर, मुझे हर साल अपना चेकअप कराना चाहिए। आज 3 साल संकेतों को समझना है, उसका थैलेसीमिया अलर्ट भी मिलता है। लोग है 250 महिलाएं है, ये क्रांति ला सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप शादी करें तो थैलेसीमिया की जांच जरूर करवाएं। क्यों? क्योंकि अगर 1000 बच्चों में से एक बच्चा भी हमने थैलेसीमिया मेजर का बचा लिया, तो जितनी बार मैं वैष्णो देवी जाता हूं या मंदिर मस्जिद जाता हूं, उसका पुण्य मुझे पहली बार में मिल जाएगा। एज अ डॉक्टर हमारा कर्तव्य ये है कि हम आप लोगों को जागरूक कर पाए इन बीमारियों से, जो कि बचाई जा सकती है। ठीक है, सो हमारे को क्या समझाया जाता था, आज हमने क्या सीखा, महिलाओं में हीमोग्लोबिन 10 है। तो मैं पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अगली बार या अगले अगस्त में आप सबका हीमोग्लोबिन चेक करके उसको 12 पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि तो जब 12 पे हीमोग्लोबिन होगा तो वो सूर्य उदय, गोरखपुर का सूर्य उदय भी आपको बहुत अच्छा और हसीन दिखेगा। अपने पैरों पर खड़ा होकर देश की सेवा करना, जैसे बाढ़ थी 15-20 दिन ऐसे निकालती है, वो स्ट्राइक वो मूंगफली के दाने की गांठी, अब वो बन गई संतरे के टाइप, अब वो आपके पास आता है, वो आपके पास भी नहीं आता, वो किसके पास जाता है, उस बाबा के पास जाता है जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। वो कहता है तू बबूत था, तू आयुर्वेद दवा था, 15-20 दिन महीना भर उसमें निकल जाता है, तो कितना बन गया, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। जो गांठ यहां से चालू हुई थी, आज वो गांठ यहां पे भी दिखती है और यहां पे भी दिखती है। फिर वो अस्पताल पहुंचता है, जैसे डॉक्टर फारूक खान के पास, डॉक्टर चतुर्वेदी के पास, वो पेट स्कैन कराते हैं तो पता चलता है शरीर पूरा कैंसर से भरा हुआ था। अब मुझे बताओ गलती किसकी है, कैंसर की क्या हमारी? जागरूकता की बात थी ना, तो हम क्यों नहीं गए डॉक्टर के पास? हम डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि एक सबसे देश में एक चीज थी कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना, कि डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर टेस्ट नहीं देगा। मैं कहता हूं डॉक्टर के पास आज के बाद से इसलिए जाना ताकि डॉक्टर के पास दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े। 1000 तक ये मैसेज पहुंचाएंगे तब देश उन्नति की तरफ प्रगति अग्रसर हो जाएगा। अगर आपको महिला डॉक्टर से मिलना चाहिए, महिला डॉक्टर से मिलके उस गांठ का एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अगर गांठ में दर्द है तो लाइकलीहुड है कि वो कैंसर नहीं है। ये जो है फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर भार्गव आए हैं और पुलिस कर्मियों में कैंसर की अवेयरनेस के लिए जो इनके द्वारा सेमिनार किया जा रहा है और ये भी जारी है। हाँ, ये जो है डॉक्टर और हम लोगों के जो है सहयोग से आए दिन प्राय जो है पुलिस लाइन में कैंप जो आयोजित कराए जाते हैं और भविष्य में भी जो है निःशुल्क जाँच की सुविधाएँ करवाएंगे हम लोग।